मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बाद एक चुनौतियां सरकार की परेशानी बढ़ा रही। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अपनी 7 मांगों से अवगत करवाया है और साथ ही अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब तक हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे, यही आगामी योजना भी तैयार होगी। इसका एक्शन है, इसके पीछे घटनाक्रम बहुत सारे रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि जो 18 तारीख को ऑर्डर में पूजा पद इंजीनियर को खत्म किए गए, उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी, उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और आपके सब कमेटी में हुई है, पर हमें कहीं लगा जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिबरेट मूव बनाया है बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली के ढांचे को और तेज करना है, तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारियों में भारी क्रोश है, अभियंता में क्रोश है, इस करके हमें फैसला लेना पूरी मदद करना पसंद करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो आपका दो इशू जो पहले थे जिसमें आपका ड्राइवर का और साथ में पोस्ट कमीशन में था, इसके साथ साथ ओपीएस भी आप जानते हो ओपीएस बिजली बोर्ड में काफी सालों से पेंडिंग है और पूरे स्टेट में जितने भी कर्मचारी हैं वो एनपीएस के कर्मचारी को ओपीएस में उनको ओपीएस मिल गया है, लेकिन बिजली बोर्ड का लगभग 66 कर्मचारी ओपीएस से वंचित है, वो भी एक कारण है, दूसरे भी कर्मचारी में क्रोश है। दूसरी एक नई डेवलपमेंट हुई है जो सरकार की सब कमेटी में सामने आई है, पहले एक रेगुलेटर में जो मीटिंग थी उसमें भी ये चीज आई है कि बिजली बोर्ड को पुनर्गठन की तैयारियां की जा रही है। बिजली बोर्ड को आप समझेंगे सही बात है, बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारियां की जा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश आया और कल और आज जो आपने देख रहे हैं मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका आक्रोश था, तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीजें अगर अनबंडलिंग होगी बिजली बोर्ड को अगर टाइप रिपेट हो गया तब तो आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, सारा फैसला हो गया। ये कर्मचारी को समझ है कि अगर बिजली बोर्ड की पुनर्गठन किया जाएगा तो एक तो जो 12-18 बिजली बोर्ड के 18-18 कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कमीशन प्रभावित होगी, वहीं कहीं जो आपकी 11-12 करोड़ की लाइव जो पेंशन उन्नति जा रहे उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस करके लोगों में बहुत